नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक खास रिपोर्ट में। और आज की रिपोर्ट जो है वो है एग्जिट पोल्स को लेकर। जी हाँ, एग्जिट पोल्स अब सामने आ चुके हैं। हाल ही में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपको मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इनके अब एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। और इन एग्जिट पोल्स में क्या कुछ है, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और कैसे इन चुनावों के नतीजे 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, यानी कि जो फाइनल मैच है वो तो लोकसभा का है, लेकिन जो उससे पहले ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आपको अभी और भी राज्यों में चुनाव होंगे, इसे एक तरह से 2024 का वो सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्योंकि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें काफी कुछ चीजों का जो पता है वो इसी इन्हीं चुनावों से लग जाता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2024 से जोड़ना कई बार सही नहीं होता है, क्योंकि जनता का मूड ऐसा, कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक, कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें कुछ और होता है, लेकिन जब केंद्र की बात आती है और दिल्ली की सत्ता की बात आती है, देश पर शासन करने की बात आती है, तो जनता का मूड अलग होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं आपको त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके क्या कुछ परिणाम आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि 16 फरवरी को जो है वो त्रिपुरा में चुनाव हुआ था, उसके बाद नागालैंड और मेघालय में जो है वो परसों यानी कि सोमवार के दिन चुनाव हुआ और चीजें कल ही सोमवार को चुनाव हुआ, तो चीजें जो है उस प्रकार से सामने आई हैं। अब इन तीनों राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव के जो है वो मतदान वो पूरे हो चुके हैं। सभी पार्टियां दावा पहले भी कर रही थी, जब क्या कहता है आपको कि चुनाव प्रचार चल रहा था या फिर चुनाव प्रचार से पहले भी, और अब जब चुनाव समाप्त हो चुका है, जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, तो राजनीतिक पार्टियां फिर से एक बार अपने दावों में लग गई हैं। लेकिन इन्हीं दावों के बीच आपको पता है कि एग्जिट पोल्स आते हैं, हर बार आते हैं, हर चुनाव के बाद आते हैं, तो एग्जिट पोल्स भी जो है वो सामने आ चुके हैं और विभिन्न तरह के एग्जिट पोल्स जो है वो दावा कर रहे हैं। लेकिन कमोबेश का एक ही है ऑलमोस्ट जो है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स आए हैं और उसमें जो चीजें बताई गई हैं उसी के आसपास चीजें रहने का अनुमान ये जताया जा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स में जो है कई बार चीजें आपको आगे पीछे भी होती हैं, क्योंकि आपने बिहार वाले एक चुनाव में देखा था विधानसभा में कि वहां पर एग्जिट पोल्स जो है वो बीजेपी के फेवर में था लेकिन उसमें नहीं आ पाया। और कई ऐसे चुनाव हुए हैं विधानसभा और आपको लोकसभा भी, इसमें कि एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं लेकिन आते कुछ और हैं। खैर, लेकिन हम आज एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं और एग्जिट पोल्स में इस समय क्या दिखाया जा रहा है, विभिन्न न्यूज एजेंसियों और जो सर्वे है टीमें हैं उनके द्वारा जो एग्जिट पोल्स किया गया है वो क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में जो है वो बीजेपी की सरकार है और एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में जो है वो बीजेपी को यहां पर फिर से एक बार सत्ता में लौटने की बात कही जा रही है। बात अगर हम डिफरेंट जो आपको सर्वेज एजेंसी है और आपको जो आपको एग्जिट पोल्स उसमें करें तो यहां पर 60 विधानसभा सीटों में जो है वो बीजेपी को आपको 35-40 सीटें मिलने का अनुमान, 45 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो है आपको इंडिया टुडे, माय एक्सिस प्लस जो है आपको पोल्स ऑफ पोल्स और इसके अलावा जी न्यूज और टाइम्स नाउ, जितने भी मैं आपको नाम ले रहा हूं ये आपको इनमें सभी में त्रिपुरा में जो है वो बीजेपी को आपको स्पष्ट बहुमत फिर से एक बार मिलता हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि 35 से जो है वो 45 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 9 से 6 और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है उसको आपको 9 से 16 और 6 से 14 के बीच, इन दोनों का तो चलिए गठबंधन है तो उसी चीज प्रकार से चीजें सामने आएंगी, यानी कि त्रिपुरा में एक बार फिर से जो है वो बीजेपी का जादू चल सकता है ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से यहां पर वापसी कर सकती है और बीजेपी की जो है यहां पर सरकार बन सकती है। आप देखिए कि त्रिपुरा में काफी कुछ हुआ है। त्रिपुरा में जो है जिस प्रकार से आपको बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आपको जो है गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ भी गए, तो सब जो है वहां पर जनसभाएं की हैं और ये बताया जा रहा है। अब हम अगर बात करें कि ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये इसको लेकर मतलब लोगों की क्या राय है, तो लोगों से अगर हम पूछते हैं, जैसे कि हम लगातार बाहर भी जाते हैं, तो लोगों का ये कहना होता है कि एग्जिट पोल ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन लोगों ने वोट दिया है तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या कुछ होगा आपको 2 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि 2 मार्च को इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आने वाले हैं। आपको त्रिपुरा, नागालैंड और आपको मेघालय, इन तीनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग 2 मार्च को यानी कि परसों आपको जो है वो घोषित कर देगा। और 2 मार्च को जो है आपको ये चीजें सामने आने के बाद जो है वो चीजें स्पष्ट होगी। अब हम बढ़ते हैं आपको जो है मेघालय की तरफ। मेघालय में जो है इस बार वो एनपीपी जो है
वो आपको सत्ता में वापसी कर सकती है। बात अगर एनपीपी की करें तो यहाँ भी 60 सीटें हैं, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा 18 से 24 सीटें जो हैं आपको यहाँ पर वो कांग्रेस के खाते में, प्लस बीजेपी 4 और आपको जो है कांग्रेस जो है वो 6 से 12, टीएमसी 5 से 9 और अन्य के खातों में 17 से 29, यानी कि जो ऑलमोस्ट जो है 18 से 24 वो एनपीपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी के खाते में 4। तो यहाँ पर मेघालय में जो है थोड़ा सा बीजेपी के लिए चीज़ें वो बदल सकती हैं, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो यहां पर चीजें कही जा रही हैं वो एक सर्वे है, लोगों से बातचीत की गई है और कुछ तथ्यों के आधार पर और कई सारे जो पैरामीटर्स होते हैं आपको एग्जिट पोल्स के उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन अगर आप नागालैंड की तरफ बढ़ेंगे तो नागालैंड में जो है वहां पर एनडीपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उससे बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागालैंड में जो है काफी चीजें आपको उसी तरह से हैं, वहां पर भी 60 सीटें हैं, 35 से 40-45 सीटें जो है वहां भी बीजेपी और एनडीपीपी के गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो है आपको कि अन्य पार्टियां हैं उनको उसी हिसाब से चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एक चीज मैं यहां पर बात करूं कि एग्जिट पोल्स को लेकर जो है जिस प्रकार से चीजें सामने आई हैं, तो वही चीज है कि आपको ये जो एग्जिट पोल्स हैं इस पे आप विश्वास करें या ना करें ये आपके ऊपर रहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की एजेंसियां ये एग्जिट पोल्स जारी करती हैं और इसमें भी जो है आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीजें उसी प्रकार से हैं। अब जो एग्जिट पोल्स सामने आए हैं तो एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद राजनीतिक पार्टियों का जो है वो प्रतिक्रिया भी सामने आता है। तो राजनीतिक पार्टियां जिसके फेवर में आई हैं वो तो हर बार अपने फेवर में बोलती ही हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं वो भी कुछ और बात कर रही हैं। जैसे कि आपको त्रिपुरा में बीजेपी के वापस लौटने की बात कही जा रही है, तो वहां पर कांग्रेस ने या फिर अन्य पार्टियों ने कहा है कि एग्जिट पोल्स को अभी नहीं सही कह सकेंगे क्योंकि हमने जनता का नब्ज टटोला है और वहां से चीजें इस प्रकार से सामने आई हैं। तो उसी प्रकार की चीजें हैं कि आपको जो है नागालैंड में और त्रिपुरा में जो है वो आपको बीजेपी जो है आपको ये वापसी करते हुए गठबंधन अपने गठबंधन साथियों के साथ वो वापसी करते हुए दिखाई जा रही है, लेकिन मेघालय में थोड़ा सा जो है वो एनपीपी की और चीजें जाती दिख रही हैं और कांग्रेस और प्लस जो इनका गठबंधन है आपको माफ कीजिए कांग्रेस और प्लस जो अन्य पार्टियां हैं उनके मतलब की पाले में चीज नहीं हो रही है। ये आपको मैं जो बता रहा हूं ये एग्जिट पोल्स के हिसाब से है। 2 मार्च तक का आपको वेट करना होगा, 2 मार्च को चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या कुछ होने वाला है। अब जहां तक एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि ये तीनों राज्यों में जो है वो चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मेघालय पर नजर डालें तो मेघालय में बीजेपी को 13 सीटें हैं, इसके अलावा आपको नागालैंड में जो है वो 41 सीटें बीजेपी और एनडीपीपी के गठबंधन को मिल सकती हैं, वहीं त्रिपुरा में भी बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा कांग्रेस को मेघालय में 6 सीटें यानी कि 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं, और इसके अलावा जो है 3 सीटें नागालैंड में जो है वो आपको कांग्रेस को, और त्रिपुरा में 13 सीटें यहां पर ऐसा बताया जाए 0 से 13 के बीच। वहीं एनपीपी जो है वो मेघालय में इनको 20 सीटें मिल सकती हैं ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा नागालैंड में जो है आपको एनपीपी को 0-0 है, और इसके अलावा अगर आप एनपीएफ की बात करेंगे तो ये मेघालय में जो है वो 0 है और नागालैंड में 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं, और आपको त्रिपुरा में यहाँ बीजेपी फिर से वापसी करती हुई दिख रही है। अगर नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी वापसी करती है तो उसके हिसाब से 2024 के लिहाज से जो है वो बीजेपी के लिए चीजें कुछ होने वाली हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी चुनाव है और कर्नाटका में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी भी कल वहां पर थे, उन्होंने जो वहां पर स्पीच दिया आपको। तो इस प्रकार की चीजें हैं 2024 में जो है वो किस प्रकार से चीजें होंगी। तो इन सब चुनावों का एक जो है वो समरूप निकलकर सामने आएगा कि इन सब चुनावों में जनता किसकी ओर देख रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 और जो विधानसभा चुनाव है इनका एक तरह से कोई कनेक्शन है भी और नहीं भी है, क्योंकि उससे पहले जनता का एक तरह से मूड समझने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि किस प्रकार चीजें जा रही हैं, लेकिन 2024 में क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। इंतजार कीजिए 2 मार्च का, जब आपको मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के चुनाव नतीजे सामने आएंगे। हम आपको इसकी अपडेट भी लगातार देंगे कि तीनों राज्यों में जो है किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है। पल पल की अपडेट, पल पल की खबर को जानने के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।